देवताओं और ऋषियों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ कि त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु और महेश में सबसे महान कौन है। इस विवाद को सुलझाने के लिए ऋषि भृगु को चुना गया, जिन्होंने यह निर्णय लिया कि वे स्वयं त्रिदेवों की परीक्षा लेकर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मलोक पहुँचे। ब्रह्मा जी सृष्टि की रचयिता हैं और उन्हें सृष्टि के निर्माण और संचालन का कार्यभार सौंपा गया है। जब भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, उस समय ब्रह्मा जी अपने कार्यों में व्यस्त थे और वे वेदों का पाठ कर रहे थे। भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी के पास पहुँचकर उन्हें प्रणाम नहीं किया और न ही कोई आदर सत्कार किया। उन्होंने ब्रह्मा जी को यह देखने के लिए अनदेखा कर दिया कि वे इस पर कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु ऋषि ने उन्हें प्रणाम नहीं किया और उनके साथ आदर नहीं किया, जिससे ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए। ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को नियंत्रित करते हुए भृगु ऋषि से कहा, आपने मेरे प्रति आदर नहीं दिखाया और मुझे प्रणाम नहीं किया, यह बहुत अनुचित है। भृगु ऋषि ने उत्तर दिया कि वे यहाँ यह देखने आए हैं कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है, और उन्होंने यह जानने के लिए यह परीक्षा ली थी कि किस देवता में सहनशीलता और विनम्रता है। ब्रह्मा जी के क्रोधित होने पर भृगु ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि धरती पर उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ब्रह्मा जी ने इस श्राप को स्वीकार कर लिया और भृगु ऋषि को उनके निर्णय के लिए स्वतंत्र कर दिया। इस प्रकार भृगु ऋषि ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मा जी में सहनशीलता और विनम्रता की कमी है। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के बाद कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव तपस्या में लीन थे और उनके आसपास का वातावरण शांत और ध्यानमग्न था। भृगु ऋषि ने भगवान शिव को जागृत करने और उनकी प्रतिक्रिया देखने का निर्णय लिया। भगवान शिव गहन ध्यान में थे और पार्वती जी उनके पास थे। भृगु ऋषि ने शिव जी का ध्यान भंग करने का प्रयास किया, लेकिन शिव जी अपनी ध्यान अवस्था में लीन रहे और भृगु ऋषि की उपस्थिति को अनदेखा कर दिया। भगवान शिव की उपेक्षा से भृगु ऋषि क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि शिव जी को उनकी उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ और इस कारण वे उनकी परीक्षा में असफल हो गए हैं। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान शिव को श्राप दिया कि उनकी पूजा की विधि कठिन और जटिल होगी। इसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव की पूजा में विशेष नियमों और अनुशासनों का पालन आवश्यक हो गया। शिवलिंग की पूजा में जल, बेलपत्र, धतुरा और अन्य विशेष वस्तुओं का उपयोग किया जाने लगा और पूजा की विधि भी अधिक विस्तृत हो गई। जब पार्वती जी ने यह देखा कि भृगु ऋषि भगवान शिव को श्राप दे रहे हैं, तो उन्होंने हस्तक्षेप किया और भृगु ऋषि को शांत करने का प्रयास किया। पार्वती जी ने भृगु ऋषि से क्षमा मांगी और भगवान शिव की ध्यानावस्था का कारण बताया। पार्वती जी के समझाने पर भृगु ऋषि का क्रोध थोड़ा शांत हुआ, लेकिन श्राप का प्रभाव बना रहा। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी और शिव जी की परीक्षा लेने के बाद वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। भृगु ऋषि ने निर्णय लिया कि वे भगवान विष्णु की परीक्षा लेंगे, ताकि यह निर्धारित कर सकें कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। जब भृगु ऋषि वैकुंठ पहुँचे, तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे और लक्ष्मी जी उनके पास बैठी थी। भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे और अपनी दिव्य शांति में लीन थे। भृगु ऋषि ने देखा कि भगवान विष्णु उनकी उपेक्षा कर रहे हैं और उनकी उपस्थिति का ध्यान नहीं दे रहे। क्रोधित होकर भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कठोर कदम उठाया। उन्होंने भगवान विष्णु की छाती पर जोर से लात मार दी। यह देखकर लक्ष्मी जी भी स्तब्ध हो रह गई। भगवान विष्णु ने तुरंत अपनी आँखें खोली और भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से भृगु ऋषि से कहा, हे ऋषि, क्या आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? मुझे क्षमा करें यदि मेरी छाती के कारण आपको कष्ट हुआ हो। भगवान विष्णु की इस विनम्र और सहनशील प्रतिक्रिया ने भृगु ऋषि को अत्यंत प्रभावित किया। उन्होंने देखा भगवान विष्णु ने न केवल उनके आघात को सहन किया, बल्कि उनके प्रति कोई क्रोध भी नहीं दिखाया और तुरंत उनकी सेवा करने लगे। भगवान विष्णु की इस महानता और विनम्रता को देखकर भृगु ऋषि ने यह निष्कर्ष निकाला कि त्रिदेवों में सबसे महान भगवान विष्णु ही हैं। उन्होंने अपनी यात्रा के अंत में सभी ऋषियों और देवताओं को यह बताया कि भगवान विष्णु में सहनशीलता, विनम्रता और करुणा की अद्वितीय विशेषताएं हैं, जो उन्हें सबसे महान बनाती है। लक्ष्मी जी का क्रोध और श्राप कुछ कथाओं में
यह वर्णित भी है कि भृगु ऋषि द्वारा भगवान विष्णु की छाती पर लात मारने से लक्ष्मी जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने भृगु ऋषि को श्राप दिया कि वे ब्राह्मणों के बीच दरिद्रता का सामना करेंगे। इस श्राप के कारण ब्राह्मण समुदाय में कभी कभी आर्थिक समस्याओं का सामना करने की कथा जुड़ी हुई है।